बहुत से लोग यह तो जानते हैं कि ओशो जब अमेरिका में थे तब उन्हें जेल में भी रहना पड़ा था, परंतु यह बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि उन्हें जेल क्यों जाना पड़ा था। आखिर ओशो का गुनाह क्या था? ऐसा क्या किया था ओशो ने कि उन्हें 12 दिन अमेरिका की जेल में बिताने पड़े? ओशो को अमेरिका की जेल में 12 दिन क्यों बिताने पड़े, ये जानने से पहले दो विशेष बातें जानना बहुत आवश्यक है। पहली कि ओशो को बिना किसी आधार, सबूत और वारंट के उनके आश्रम में नहीं, बल्कि जब वह अपने मित्र से मिलने उत्तरी कैरोलिना जा रहे थे तो धोखे से शार्लॉक हवाई अड्डे पर न केवल उन्हें गिरफ्तार किया गया, बल्कि बंदूक की नोक पर उन्हें बंदी बनाकर ले जाया गया। और दूसरा, उन्होंने ओशो को जेल में ओशो नहीं बल्कि एक फर्जी नाम डेविड वॉशिंगटन के नाम से दस्तखत करने को बाध्य किया, ताकि भविष्य में किसी को, फिर वह ओशो के सन्यासी हो या मीडिया के लोग, उन्हें दस्तावेजों से पता ही ना चले कि ओशो, जिसकी दुनिया दीवानी हो रही है, उसे बिना किसी गुनाह व आरोप के जेल में कैद किया गया है। और कल को यदि ओशो की मृत्यु होती है तो वह ओशो की ना होकर दस्तावेजों में डेविड वॉशिंगटन की हो। इन दो बातों से स्पष्ट हो जाता है कि ओशो बेगुनाह थे। बहरहाल अब प्रश्न यह उठता है कि ओशो यदि बेगुनाह थे तो फिर उन्हें किस गुनाह या आरोप के चलते गिरफ्तार किया गया? आपको जानकर हैरानी होगी कि ओशो की ख्याति ही अमेरिकियों को खटकने लगी थी। उन्हें यह सहन नहीं हो रहा था कि एक इंसान अपने प्रेम और वाणी के माध्यम से अमरीकी वासियों का दिल जीत रहा है। लोग ईसाइत को छोड़कर ओशो के भक्त हुए जा रहे थे। इतना ही नहीं, ओशो के 5,000 सन्यासियों ने 64,000 एकड़ मरुथल को मरुधान में बदल दिया था। रजनीशपुरम जैसा अद्भुत प्रयोग करके पूरे विश्व को हैरत में डाल दिया था। रजनीशपुरम अपने आप में एक ऐसा उदाहरण साबित हुआ कि विश्व में अमेरिका की पहचान ओशो व रजनीशपुरम से होने लगी थी। ओशो की यह सफलता वहां की सरकार को न केवल चुभने लगी थी, बल्कि उन्हें यह डर भी लगने लगा था कि यदि ओशो के प्रेमियों की भीड़ ऐसे ही बढ़ती रही तो ईसाई धर्म और सत्ता दोनों ही शीघ्र खतरे में आ जाएंगे। इसी असुरक्षा के कारण उन्होंने ओशो व ओशो के आश्रम एवं सन्यासियों को कई बार कष्ट पहुंचाने की कोशिश की, ताकि ओशो का काम तहस नहस हो जाए तथा सब सन्यासी आपस में बिखर जाए। परंतु हजार कोशिशों के बाद भी ऐसा ना हो सका। इसीलिए वहां की सरकार ने गैर कानूनी रास्ता इख्तियार किया और ओशो पर अप्रवासी नियमों का उल्लंघन करने के 36 फर्जी आरोप लगाए, जिसमें से उन्होंने रजनीशपुरम की जगह को व अमेरिका में ओशो सन्यासियों द्वारा किए गए विवाहों को गैर कानूनी बताया। ओशो को इन अपराधों को मानने के लिए न केवल बाध्य किया गया बल्कि जेल में भी रखा गया। इतना ही नहीं, ओशो को न केवल सब आरोपों पर डेविड वॉशिंगटन के जाली नाम से हस्ताक्षर करने को मजबूर किया गया, बल्कि यह भी धमकी दी गई कि आपको अपने आप को निर्दोष साबित करने में 10 साल लग जाएंगे, तब तक आपके बिना आपका कम्यून नष्ट हो जाएगा या हम तबाह कर देंगे। इसीलिए आपकी भलाई इसी में है कि आप इन आरोपों को मान लें। इस धमकी से भी ओशो डरे नहीं और उन्होंने कागजों पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। ओशो की इस मनाही का कष्ट जेल के बाहर ओशो के प्रेमी व सन्यासियों को चुकाना पड़ रहा था,
प्रशासन व पुलिस बाहर ओशो के लोगों को तंग कर रही थी। इस बारे में जब ओशो को पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि जिन लोगों ने उनके पीछे अपना घर बाहर सब कुछ छोड़ा है वे सब कितने कष्ट में हैं। लेकिन बात सिर्फ उन सन्यासियों के कष्ट की ही नहीं थी, उन प्रताड़नाओं की भी थी जो ओशो को जेल में दी जा रही थी। जब बाहर सन्यासियों को यह पता चला कि ओशो को हमारे कारण जेल में इतनी यातनाओं से गुजरना पड़ रहा है तो सब ने ओशो से विनती की कि आप कृपया इन दो आरोपों को मान लें, जिसमें रजनीशपुरम की जगह को तथा वहां हुए सन्यासियों के विवाह को गैर कानूनी बताया गया था। इस तरह ओशो ने अपने सन्यासियों की जान की खातिर इन दो आरोपों को स्वीकार किया और 12 दिन अमेरिका के जेल में बिताए। उन 12 दिनों में अमेरिका की पुलिस ने ओशो के साथ जो व्यवहार किया वह बहुत ही दर्दनाक और तकलीफ देह था। बहरहाल यह सच है कि ओशो को अमेरिका में जेल हुई थी, परंतु उसके पीछे का सत्य क्या था यह बात भी आपको स्पष्ट हुई होगी कि किस तरह अमेरिका ओशो से भयभीत था और ओशो को अमेरिका से निकालना चाहता था।